हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लावा की तरफ से आने वाले लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, जो कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो आपको ये 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इससे सस्ता आपको स्मार्टफोन जो कि 5G हो वो आपको नहीं मिलने वाला है पूरे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट में। इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है 11,999। इसका वेरिएंट जो है वो है 128GB और 6GB, यानी 6GB रैम इसके अंदर इनबिल्ड है। ठीक है, तो ये है कुछ ऊपर की पैकिंग। अभी बिल्कुल अभी अमेजन से मेरे पास डिलीवर किया गया है, पैकिंग मैंने पहले ही खोल दिया है। ठीक है, तो चलिए उसको साइड करते हैं और चलिए इसकी ब्रांड पैकिंग को फटाफट से ओपन करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या कंटेंट अपने को देखने को मिलता है। चलिए ऑपरेशन कर दिया जाए। चलिए यहाँ से इसे निकालते हैं। ओके, इसे साइड। ओके, तो फाइनली दोनों सील जो मैंने ब्रेक कर दिया। चलिए सबसे पहले ऊपर बॉक्स के ऊपर चारों साइड से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। तो सबसे ऊपर लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन है ना, और यहाँ पर ऊपर देख लीजिए वेरिएंट क्या है मेरा। 6GB रैम और 128GB जो है स्टोरेज है, और प्राउडली इंडियन हैशटैग लावा का कुछ यहाँ पे दिया गया है। फ्री सर्विस एट होम, यार क्या गजब की बात है। अगर होम सर्विस अगर मिल जाएगा तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं, बाद की बात है, ये सब चीज़ एक्चुअली क्लियर अभी नहीं है। और बैक साइड में अपने को क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दिख जाता है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन। जो बैक साइड में जिसका ग्लास है वो, सॉरी, बैक पैनल जो है वो ग्लास का है, तो जो भी ओपन करेंगे देखेंगे। साथ ही साथ 2K वीडियो रिकॉर्डिंग और कर सकते हैं। 50MP का जो है ट्रिपल कैमरा दिया गया है, और भी कई सारी चीज़ें दी गई है। बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये आ गया है अपना बॉक्स। चलिए इसे भी ओपन करते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ आपको एक मिल जाता है मोबाइल केस। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। ओके, सिलिकॉन है ना, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जहाँ आजकल लोग चार्जर नहीं दे रहे मोबाइल फ़ोन में, यहाँ पे आपको कवर भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ फ्री सर्विस एट होम विद इन 24 आवर्स सर्विस प्रॉमिस। मतलब लावा जो आपसे 24 आवर्स के अंदर फ्री सर्विस देने का प्रॉमिस करता है। व्हाट इज़ फ्री सर्विस एट होम, एक्सक्लूसिव सर्विस होम डोस्टॉफ टू ब्लेज युवा। तो यहाँ पे स्पेशल जो ब्लेज स्मार्टफोन है, युवा एंड एस्ट्रॉम स्मार्टफोन है, उस कस्टमर्स को जो है होम सर्विस यानी डोर स्टॉप सर्विस देने का वादा कर रही है यहाँ पे लावा कंपनी। पैन इंडिया सर्विस है, ऐसा नहीं कि दिल्ली मुंबई पंजाब में है, पैन इंडिया है। ठीक है, द प्रायोरिटी इज नो सर्विस एट होम, और चीज़ें लिखी गई है किस तरीके से आप इस सर्विस को, डोर स्टॉप सर्विस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। वेबसाइट पे विजिट करना है, व्हाट्सअप टाइप वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और बैक साइड में अपने को कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं यहाँ पे, और ये आ जाता है अपना मेन स्मार्टफोन। ओके, चलिए फिलहाल इसे की ऐसे निकालते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मिल जाता है। और अपने को एक मिल जाता है सी टाइप डाटा केबल। डाटा केबल जो हेल्दी काफ़ी ज़्यादा है ना, प्रीमियम है कि नहीं है पता नहीं, बट हेल्दी काफ़ी है। चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम आपको एक चार्जर तो देखने को मिलता है, बट ये है कि चार्जर के अंदर वजन नहीं है। मेरे पास में एक वीवो का X50 Pro मेरे पास मोबाइल है, जिसका कि चार्जर मुझे लग रहा है इससे अगर ये 100 ग्राम होगा तो वो 150 ग्राम का चार्जर होगा। ऐसे 100 ग्राम एक मैंने आपको ऐसे बताया, बट काफ़ी हल्का है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हल्का है। चलिए बाकी पता नहीं कितना टाइम चलता है, जो भी हो इसे भी साइड में रखते हैं। तो चलिए बॉक्स अपना हो चुका है खाली, इस बॉक्स को ऐसे पैक करके रख दिया जाए यहाँ पे। तो ये आ जाता है जी अपना मेन कंटेंट, जिसके लिए हम इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं हम और आप। तो चलिए इसे निकाल लिया जाए। तो ये है आपका स्मार्टफोन। ओके, मुझे लगा कुछ डस्ट वगैरह है। तो कलर ये है, कलर इसमें एक आई थिंक लाइट ब्लू कलर आता है, मतलब क्या बोला जाए उसका, ग्रे, लाइट ग्रे बोला जा सकता है उस कलर को, काफ़ी अच्छा। और ये वाला जो मेरे को डिजाइन जो लगा ना, डिजाइन इस मोबाइल का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वीवो का X50 मोबाइल है मेरे पास, X50 Pro का भी जो बैक जो है बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है, कुछ ऐसे देख लीजिए है ना, और इसका भी जो है रेक्टेंगल शेप के अंदर है, और काफ़ी ज़्यादा कलर भी अच्छा है। ठीक है, मुझे घर पे फ़ोन को रखना है तो कलर इसलिए मैंने जा करके कोई भी ऑर्डर कर दिया, कोई इशू नहीं है। बाकी आप अपने लिए जो कलर आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। ये फ़ोन देख लीजिए, वीवो का X50 Pro। चलिए इसे साइड में रखते हैं, बात इसकी करते हैं।
तो ये हो गया भाई साहब, ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। 50 मेगापिक्सल कैमरा है बट लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा है ना, 11,000 के अंदर, 12,000 के अंदर काफ़ी अच्छा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट बूटअप कर लेते हैं, बूटअप होता रहेगा, बाकी साइड में देखेंगे क्या क्या है। ओके बूटअप कर दिया है, तो चलिए अब साइड वगैरह में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया गया स्पीकर, यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक, यहाँ पे सी टाइप आपको चार्जिंग के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये पावर बटन हो जाता है। साथ ही साथ इसमें फिंगरप्रिंट भी है, वो भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे, और यहाँ पे आपका हो गया वॉल्यूम बटन, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से इसे हम सेटअप कर लेते हैं, स्टार्ट वगैरह कर देते हैं, और मैं मिलता हूँ सेटअप कंप्लीट करने के बाद। तो नेक्स्ट ओके कर करके जो है फटाफट से मैं मेन स्क्रीन पे ला चुका हूँ, और मैंने कुछ भी अभी सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर नहीं की हैं, बाद में मैं कर लूँगा। फटाफट से एक बार देखते हैं कोई भी चीज़ अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसके लिए क्या एक्सपीरियंस होता है, कितना जल्दी। तो आप देख लीजिए, जैसे आपके सामने ओपन कर रहा हूँ फटाफट से ओपन हो रहा है, जैसे क्रोम है ओपन हो रहा है, मैसेज ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट में थोड़ा सा लगा टाइम, बाकी ठीक है ना। अच्छा ड्यू इसको तो छोड़ दो, उसको और भी कई सारी चीज़ें अभी जैसे यूट्यूब, ओके यूट्यूब अभी आई थिंक ओपन नहीं हो रहा था, अच्छा हो गया, यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब भी ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से मतलब चल अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली चल रहा है। तो चलिए एक बार कैमरा का टेस्ट किया जाए किस तरीके का इसका कैमरा है। फिलहाल अभी रूम के अंदर उतनी रोशनी तो नहीं है, बाकी आप देख ही सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा और पास करके, आई थिंक उतना ज़्यादा क्लियर अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह वो नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं 2-4-5 फोटो जो है आउटसाइड में जाकर के मैं क्लिक करता हूँ, रियर कैमरा से भी और सेल्फी कैमरा से भी, और उसको मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आप जो उस चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं। और बाकी सेटिंग्स वगैरह में चले तो सेटिंग्स के अंदर अबाउट फ़ोन के अंदर एक बार चलते हैं, सिस्टम अबाउट फ़ोन, तो अबाउट फ़ोन के अंदर आप आ करके देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 12 है, डिवाइस नेम वगैरह दिया गया, स्टोरेज यहाँ पे 128 GB का है, 16 GB यहाँ पे यूज हो चुका है, लावा का है, जो भी चीज़ है बिल्ड नंबर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब 12,000 के अंदर जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मेरे को ये लगा। अगर आपको भी ये स्मार्टफोन बाय करना है तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जा करके आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। 4 GB RAM, 6 GB RAM सभी तरीके के फ़ोन जो वहाँ पे अवेलेबल है, डिपेंड आप पे करता है आप कितना जी बी रैम लेना चाहते हैं। अगर मेरी सजेशन मानेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि मिनिमम आज की डेट में 6 GB RAM तो होना ही होना चाहिए, तब जा करके आपका फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा स्मूथ चलता है। अगर वही अगर आप 4 GB RAM वगैरह ले लेते हैं तो फ़ोन क्या होगा, आपका लैग करेगा, कहीं कहीं पे हैंग करेगा, उस प्रॉब्लम को अगर आप नहीं झेलना चाहते, नहीं देखना चाहते तो कम से कम 6 GB RAM ज़रूर आप यूज़ कीजिए। तो ठीक है, तो बस यही एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, आई होप कि आपको ये पसंद जरूर आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।